हम सब चाह रहे थे कि टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि गाइस टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी तक 3 बार हरा चुकी है। जी हाँ गाइस, टीम इंडिया पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारी है। चलिए आपका स्वागत करते हैं एम किंग स्पोर्ट्स चैनल पर, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं मैच की। टीम इंडिया 3 बार ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है गाइस वर्ल्ड कप फाइनल में। सबसे पहले हारी टीम इंडिया फाइनल में टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों, फिर हारी वनडे वर्ल्ड कप में, जो कि वनडे वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स का, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हारी, और अब जो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ ये भी ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ और इसमें भी टीम इंडिया हार गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि टीम इंडिया अभी तक ऑस्ट्रेलिया से अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में नहीं आ रही थी, उन्हें हराते ही आ रही थी, मगर इस बार कुछ उलट फेर हो गया और टीम इंडिया ये अंडर 19 वर्ल्ड कप हार गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चलिए इस बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इंडिया टीम को चेस करने दिया। इंडिया टीम ने शुरुआत अच्छी करी। राज लिंबानी ने सैम को शानदार गेंद पर बोल्ड आउट किया। वर्ल्ड कप के बेस्ट परफॉर्मर राज लिंबानी ही रहे। राज लिंबानी ने 3 विकेट लिए और अपनी पूरी कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे भारतीय मूल के हरजस सिंह ने हाफ सेंचुरी पर मुश्किल विकेट पर रन बना लिया और वह जीत के हीरो भी साबित हुए। भारतीय मूल के यानी एक भारतीय ने ही ऑस्ट्रेलिया को जिताया ये अंडर 19 वर्ल्ड कप। ये वही मैदान था जहां ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ था और पाकिस्तान जीत के करीब थी, लेकिन आखिरी ओवर में 1 विकेट से हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 253 रन बनाए, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का इतिहास था। आज तक अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में किसी टीम ने नहीं बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने आते ही स्टार बैट्समैन और ओपनर अश्विन कुलकर्णी को आउट कर दिया। फिर 19 नवंबर की यादें ताजा हो गई गाइस, जिस तरह टीम इंडिया के सीनियर क्रिकेटर्स स्लो हो गए थे जब वर्ल्ड कप फाइनल था 50 ओवर वाला। आप सबको याद ही होगा कि एक रोहित शर्मा ही थे जिन्होंने तूफानी पारी आते ही तेज खेले थे, उसके बाद जैसे शुभनम गिल हो या बाकी प्लेयर्स हो वो बहुत धीरे खेले थे। वही इतिहास अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हुआ कि आते ही टीम इंडिया बैकफुट पे आ गई, डिफेंसिव मोड पे आ गई और शुरुआत में आते ही विकेट चले गए टीम इंडिया के और वो स्लो खेलने लगे। जो 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था वही अंडर 19 में हुआ गाइस। मुशीर खान और आदर्श सिंह ने धीमी बल्लेबाजी की और इनके आउट होने के बाद जैसे ही उदय सहारन और सचिन दास क्रीज पर आए तो उन दोनों से एक लंबी पारी की सब लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, पर वो भी नहीं चले। टीम इंडिया 174 रन पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से पहली बार टीम इंडिया को फाइनल में वर्ल्ड कप में हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई। तो गाइस आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के हार की और क्या वजह थी। और गाइस स्पोर्ट्स की दुनिया के हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल आपके इस चैनल एम किंग स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस अब PSL स्टार्ट होने वाला है, WPL और IPL हर मैच यहां पे कवर किया जाएगा इस चैनल पे। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट और अबाउट सेक्शन में मिलेगा, तो जाके ज्वाइन कीजिए। PSL का हर मैच का प्रेडिक्शन हो या WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग का हो या IPL का हो। तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।